हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरा स्वीट रेसिपी। आज हम बताएंगे आप लोगों को बिना आयल से सब्जी कैसे बनाएं। मेरे 2 पोटैटो हैं, अब इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करना, बड़े पीसेस में मत करना। ऐसे से इसको भी, ऐसे इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ऐसे आप लोग देख रहे हैं, ये सुबह बच्चों के टिफिन में मॉर्निंग में दे सकते हैं। वैसे छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। इसको बॉईल कर लिया थे तभी मैंने इसको काटे हैं छोटे छोटे पीसेस में। आप लोग छोटे छोटे पीसेस में करिएगा, ने अच्छे से मसाला परफेक्ट मिक्स हो जाए। आप लोग देखिएगा, मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। अब ये मेरा हीट हो गया है पैन, अब इसमें डालते हैं। आप लोग देखिएगा, मैंने आयल एकदम नहीं डाला है। आप लोग देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं डाला आपको पलट। अब इसमें हम डालेंगे अपने पोटैटो जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किए थे। अब इसको ऐसे ही हम थोड़ी देर इसको पकने देते हैं 3 मिनट के लिए अच्छे। आप लोग देख रहे हैं मेरे पोटैटो ऐसे कैसे हो गए हैं, देखिएगा आप लोग। ये देखिए, इसको मैं इधर उधर पलट देती हूँ अच्छे से। आप लोग देख रहे हैं ऐसे। अब इसको ऐसे से हम फैला देंगे इसको एक एक ऐसे दूर दूर, जिसे अच्छे से परफेक्ट ब्राउन हल्का हो सके। अच्छे से परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे हल्के हल्के, क्योंकि इसमें आयल तो पड़ा नहीं है, मसाले नहीं आए हैं। तब तक इसको हम पकने देते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। ये मेरा एक छोटी सी बाउल से अब इसमें मसाले ऐड करते हैं अच्छे से। टर्मेरिक पाउडर जूज और थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट के अनुसार साल्ट डालिएगा। इसमें सभी चीज़ें मिक्स है। थोड़ा सा आप लोग अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही इसको टेस्ट लाने के लिए पोटैटो में। तब तक मेरे पोटैटो पक रहे हैं अच्छे से, क्योंकि बिना आयल में पकेंगे तो टाइम लेंगे। अब थोड़ा सा हम वाटर डालेंगे, इसका एक लिक्विड पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हम रेड चिली पाउडर डालते हैं थोड़ा सा ही, नहीं तो बच्चों के लिए है नाश्ता। इसे मिक्स करेंगे। आप लोग इसमें रेड फ्लैक्स भी डाल सकते हैं गैस की तरफ। आप देखिएगा, मेरे पोटैटो बिना आयल इसमें नहीं डाले थे। आप लोग देख रहे हैं ये कैसे ब्राउन ब्राउन हो गए अच्छे से, देखिएगा आप लोग। अब इसे कौन कहेगा इसमें आयल नहीं पड़ा था। देखिए मैंने बनाया है इसे, आप देखिए कितने ब्राउन ब्राउन हो गए हैं हल्के से। अब इसमें वही मैंने लिक्विड पेस्ट बनाया था वही इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि इसमें पोटैटो मेरे बॉयल किए हुए हैं, सब पका पकाया है ऐसे। सभी चीजें तो इसमें पक्की पकाई हैं।
देखिएगा आप लोग इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितने अच्छे परफेक्ट बने हैं ये समझो मेरे बन गए। अब इसे हम एक प्लेट्स में निकाल लेते हैं अच्छे से। आप लोग ये मेरे बिना आयल के बने हैं, कोई कहेगा नहीं कि बिना आयल के हैं। ये मेरा आटा गुथा हुआ है आप लोग देखिएगा। अब इसके हम बच्चों के लिए पराठे बनाएंगे छोटे छोटे, काट लिया है इसे। आप इसमें आटा भी लगा सकते हैं गेहूं का, या तो आप लोग आयल भी लगा के बेल सकते हैं। मैं तो आटा लगा रही हूँ। ये मेरा आटा ले लिया मैंने, अब इसको लोई जैसी बनाएंगे। अब इसको धीरे से प्रेस करेंगे अच्छे से, ऐसे ऐसे। अब इसको आटा लगाएंगे इसमें, ऐसे इसको बेल देंगे। आप गोल बनाना चाहते हैं पराठे तो गोल बना लीजिएगा, नहीं तो ट्रायंगल शेप में। आप लोग इसमें आयल लगाइए थोड़ा सा ऐसे। अब इसको ऐसे मोड़ दीजिए ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा आटा लगाइएगा। अब इसको ऐसे बेल ऐसे से बेल देंगे, ऐसे धीरे से ऐसे इधर करेंगे बेलन, ऐसे करेंगे। ये पराठा मेरा ट्रायंगल शेप में है आप लोग देखिएगा। आप लोग सर्कल शेप में भी बना सकते हैं ऐसे। मेरा ये बनके बन गया है। अब दूसरी ट्रिक बताते हैं। अब ऐसे बेलेंगे। आप लोग ऐसे सर्कल शेप में भी बेल सकते हैं ऐसे, बाद में आप कट कर दीजिएगा चाकू की मदद से। ऐसे भी आप लोग बेल सकते हैं गोल गोल, जैसा आपका मन करे वैसे आप लोग बेल के अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। बच्चे खुश तो माँ खुश। ऐसे देखिएगा आप लोग, ये मेरा सर्कल शेप में है, ये मेरा ट्रायंगल शेप में है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने एक तवा रख लिया है लोहे वाला, और इसको हीट होने देते हैं। तवा मेरा हीट हो गया है। अब इसमें डालते हैं पराठे। इसमें मैंने आयल डाल लिए थे पहले, वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं। अब इसको हम पलट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्रिस्पी सा मेरा पराठा। आप लोग इसको फिर से पलट सकते हैं ऐसे, देखिएगा ऐसे। अब इसको एक प्लेट्स में निकाल लेते हैं। अब सर्कल शेप वाला डालते हैं। उसी प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे, उसी प्रकार से ऐसे। आप लोग देखिएगा, अब इसको हम पलट देते हैं उसी प्रोसेस से, इसी प्रकार से अच्छे से ऐसे। देखिएगा कितना प्यारा सा। इस
इसमें ऑयल लगा लिए हैं। ऐसे इसी प्रोसेस से इसको फिर से ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, ऐसे अच्छे से ये पक जाएगा। निकाल लेते हैं इसी प्रकार से एक प्लेट्स में। आप लोग देखिएगा, मैं बिना आयल पोटैटो की सब्जी बनके रेडी है। आप लोग देखिएगा, अब इसकी हम गार्निश करते हैं हरे धनिए से, अच्छे से इसकी। इसकी गार्निश करते हैं हरे धनिए से। अब देखिएगा कितनी अच्छी लग रही है। इसे कोई कहेगा बिना आयल ये सब्जी बनी है। और ये देखिए मेरे परेठे, आप लोग देखिएगा ये ट्रेंगल शेप में है, और ये देखिएगा सर्कल शेप में है। आप लोग देखिएगा जो आपके बच्चों को पसंद हो वही परेठे दीजिएगा। मेरे तो बच्चे ऐसे वाले परेठे पसंद करते हैं, ट्रेंगल वाले। आप लोग अपने बच्चों को आयल की सब्जी देना नहीं चाहते हैं तो बिना आयल की सब्जी दे सकते हैं। और आप लोग देखिएगा कैसी बनी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।